आज हम एक कहानी के बारे में बात करेंगे। कहानी का शीर्षक है पेड़ पर पैसे। जैसे ही चौराहे पर हम लोगों ने गाड़ी रोकी, हम लोग गाड़ी में दो लोग थे, मैं और मेरा एक दोस्त। एक भिखारी जिसकी हड्डियां गिनी जा सकती थी आकर पैसे मांगने लगा। बाबूजी 5 रुपए दे दो, कल से कुछ नहीं खाया। पहले उसे देखकर एक क्षण मुझे पैसे देने का मन किया, परंतु जब उसने 5 रुपए मांगे और वो 5 रुपए की बात सुनकर उसी क्षण मेरा वो विचार गायब हो गया। मैंने अपने साथी से कहा, देखो भिखारियों का भी कितना स्टैंडर्ड बढ़ गया है, अब 5 रुपए मांगते हैं। मैंने उस भिखारी को डांटते हुए कहा, क्या पेड़ पर पैसे उगते हैं? भिखारी कुछ नहीं बोला, परंतु घूर कर आगे चला गया। जो उसकी आंखें थीं, उनसे उनसे मुझे बहुत कुछ लगा। ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें बहुत कुछ कह गई हों। मैं उस बात को तुरंत भूलना चाहता था, परंतु भूल ना सका। हम दोनों एक रेस्टोरेंट पहुंचे। थोड़ी देर में मेरे बॉस भी आ गए। उन्होंने रेस्टोरेंट पे एक नजर डाली और बोले, यार कहीं और चलते हैं। हमें उन्हें एक महंगे रेस्टोरेंट में ले जाना पड़ा। कुछ देर बाद क्या हुआ, वहां से निकल के एक महंगे रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। खाने के बाद मैंने बिल चुकाया और 50 रुपए का नोट प्लेट में ही छोड़ दिया, टिप जो देनी थी। अपना तो ठीक है, साहब के स्टेटस का ध्यान जो रखना था। अचानक कुछ याद आया, लगा कि अब पेड़ पर पैसे उगने लगे थे। धन्यवाद, मैं KM सोनी, एडीजे रिटायर्ड।